हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि हमारा जो फटाफट का जो मिशन 2023 है वो तो चल ही रहा है। तो बच्चों, आप उसको ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें, बाकी सभी बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो भाई, अभी एग्जाम्स की जो सीरीज चल रही है और आपका जो टेक्निक है पढ़ने का, वो कैसा है, आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट के जरिए। आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? अगर कोई दिक्कत है, यदि कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप तैयारी कैसे कर रहे हैं वो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। हर चीज पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर पर्सनल मैसेज भी वहां पर कर सकती हूँ, वहां पर कमेंट कर दूंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला ये है कि जब हम हर साल, यानी कि पूरे साल भर हम क्या करते हैं, बस खेल कूद मस्ती इंजॉय, यही तो करते हैं हम लोग, ठीक है। चाहे आपकी बात हो, चाहे मेरी बात हो, चाहे किसी भी स्टूडेंट की लाइफ की बात हो, हर साल क्या करते हैं, बस साल भर वो क्या करता है, बस खेलता है, घूमता है, मौज मस्ती इंजॉय, यही सब चीज चलता रहता है। गणेश पक्ष आया तो हमको डांस करना है, नवरात्रि आया तो गरबा करना है, समझ रहे हो, होली आया तो कुछ और करना, मतलब होली में क्या है, रंगों का गुलाल ये कर रहा है, दिवाली है उसमें, पूरे साल भर हम सिर्फ एंजॉय ही करते हैं। लेकिन उस साल भर में हम क्या करते हैं, अगर छोटी छोटी चीजों का अगर पढ़ते रहे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर साल भर नहीं पढ़ रहे तब हमारी स्थिति कैसी होती है, एक रात पेपर के पहले हमारी स्थिति ऐसी ही हो जाती है, यानी कि नाइट बिफोर एग्जाम में हमारा कैसा होता है, क्या आएगा, इतना टेंशन से भरपूर, ठीक है। और ड्यूरिंग एग्जाम्स के समय हमारी स्थिति कुछ इस सिचुएशन होती है, हाय पढ़ा क्यों नहीं हमने, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी ना हो जाए, तो इसके लिए आप ही के लोगों के लिए अभिप्सा आप लोगों के लिए आया है मिशन 2023। एक महीने में आप जमकर तैयारी करें, अपने आप को चेक करें कि आप कितने पानी पर हैं, कितना आता है आपको, रिवीजन करें, रिवीजन, क्योंकि आपके पास अब पढ़ने का पूरा समय नहीं, सिर्फ रिवाइज करने का समय है। तो चलिए भाई, मिशन 2023 में आज के सेशन में कक्षा 12वीं के लिए आज मैं क्या लाई हूं। हम जो पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे 3 अंक के प्रश्न में, तो इसका वो सेकेंड पार्ट है। पहला वाला आप जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से क्वेश्चन डन है, वहां से श्योर है एक ना एक आने के चांसेस है। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा है। भाई, अगर बोर्ड पेपर बन रहा है तो किस तरीके से आएगा, कैसे सेट होगा, हम बोलते हैं ना 2022 में अगर क्वेश्चन आया तो वो 2023 में हो सके शायद ही वो रिपीट होगा, वो 24 में आने की संभावना है। तो इस तरीके से हमने पेपर को भी एनालिसिस किया, कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, तो उसके भी हाफ में यहां पर हमने सिलेक्टिव क्वेश्चन को रखा हुआ है। तो भाई, 3 अंक वाले प्रश्न सेकेंड यूनिट में कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है बेटा, पहला प्रश्न लिखा है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, और इसी के साथ साथ और भी जितने आपके सिंड्रोम होंगे उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, कुछ भी आ सकता है, यानी कि 2-3 यहां पर और टॉपिक में बताने वाली हूं, उसको भी इसी सिंड्रोम के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहला प्रश्न दे दिया क्या, डाउन सिंड्रोम, ठीक। एक और सिंड्रोम आप नोट करेंगे अपनी कॉपी पर, मैं कह रही हूं क्या, आप लिखोगे क्या, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम भी लिखेंगे, वो भी क्या, उसके बारे में भी पूरा लिखेंगे आप लोग। और एक और लिखोगे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक। तो ये जो कुछ एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डन है, एक ना एक श्योर है आ सकता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा, तो डाउन सिंड्रोम क्या है, इस सिंड्रोम के लक्षण क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। ये कितने मार्क्स का आएगा आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या क्या चीजें लिखनी है, इतना चीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो होता है भाई, क्रोमोसोम्स क्या है, अगर इसकी संरचना देखोगे क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स क्या होता है भाई, क्रोमोसोम्स किसमें होता है, देखो ये आपका केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम इस तरीके से पाया जाता है, पता है कि नहीं पता आपको क्रोमोसोम्स के बारे में, तो ये क्या है आपका क्रोमोसोम्स, और इसी क्रोमोसोम्स पर डीएनए जो होते हैं डबल हेलिक्स इस तरीके से लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका क्रोमोसोम्स है, ये क्या है आपका
क्रोमोसोम्स होता है और ये क्या है आपका डीएनए होता है। और इस क्रोमोसोम्स पर ध्यान दीजिए, थोड़ा चीज आपके नॉलेज का चीज है, ध्यान देंगे, इस डीएनए पर ही आपके हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं बेटा? हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हिस्टोन प्रोटीन देखो, यूकैरियोटिक सेल्स में ही हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? ये है क्रोमोसोम्स, ये है डीएनए। क्रोमोसोम्स पर डीएनए द्विकुंडलित रूप में लिपटे हुए होते हैं और इसी डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान दीजिए, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इस हिस्टोन प्रोटीन का नाम क्या है ये भी ध्यान रखेंगे, H2A, H2B, H3 और H4, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन। एक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम की, भाई मैडम बॉडी है कि डाउन सिंड्रोम बता रही हूं, अचानक से क्रोमोसोम पर क्यों ला दी? भाई बिल्कुल लाई हूं, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है बेटा? वहां पर लिखा है डाउन सिंड्रोम एक डिसीज है ना, एक डिसीज है, डिसऑर्डर है। क्या डिसऑर्डर है? कि यहां पर क्रोमोसोम्स, अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन के क्रोमोसोम्स की बात करूं, ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं आप मुझे बताओ, मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है कितनी होती है? 46 होती है। क्या बात है मैडम, ये तो हम जानते हैं, आप लोग यही सोच रहे होंगे, आप लोग को तो पता ही होगा कि 46 मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब क्या बताना चाह रहे हो फिर? तो मैं बताना ये चाह रही हूं बेटा कि ये जो 46 क्रोमोसोम होता है, ये हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो है जिसका नाम है, मतलब क्रोमोसोम्स दो प्रकार के, एक होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। पहला क्या हो गया? ऑटोसोम हो गया। और दूसरा क्या हो गया मैडम? तो दूसरा हो गया आपका बेटा लिंग। ठीक है, क्या हो गया? लिंग गुण सूत्र। पहला ऑटोसोम गुण सूत्र हो गया और दूसरा क्या हो गया? लिंग गुण सूत्र हो गया। पहला फिर से रिपीट करती हूं, मनुष्य में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, आधे से ज्यादा लोगों को पता अगर नहीं है तो सुन लो भाई, 46 मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम में ही डीएनए लिपटा हुआ, तो यानी कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो चलिए, मनुष्य में क्रोमोसोम्स कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं भाई साहब। पहला क्या है? ऑटोसोम गुणसूत्र, और सेकंड क्या है? लिंग गुणसूत्र। इतनी बातें क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब फोटोसोम्स में मैडम कितने है ऐसे जो ऑटोसोम्स है और कितने ऐसे हैं जो लिंग गुणसूत्र हैं? बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, यहां पर यदि हम बात करें क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो मनुष्य में हमने क्या कहा कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इस 46 गुणसूत्र में, ठीक है, 46 गुणसूत्र में आपके 46 गुणसूत्र में 23 पेयर में होते हैं। टोटल कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। भाई मैंने ऐसे क्यों लिखा? ध्यान दीजिए, एक से, अब ध्यान दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और ये है 21, और ये है 22, और ये है 23। ठीक है भाई, आप बोल रहे हो कि 23 गुणसूत्र पेयर में पाए जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं टोटल 46। तो अब 23 पेयर में, तब तो 46 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, क्रोमोसोम्स की संख्या पेयर में 23 होता है। अब देखिए, प्रश्न पूछा था डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो क्रोमोसोम के बारे में नॉलेज हो गया, ठीक है, बहुत कुछ यहीं पर नॉलेज हो रहा है आपका। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बेटा?
एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो भाई मैडम गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, अभी आपने दो की बात की थी, ऑटोसोम को लिंग गुणसूत्र, तो किसको कहते हैं ऑटोसोम? तो बेटा ध्यान रहे, एक से लेकर 22 तक का, एक से लेकर 22 तक का जो क्रोमोसोम्स होता है उसको हम कहते हैं भाई साहब ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम, ठीक है, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है, ये ऑटोसोम्स क्रोमोसोम समझ आ गया। अब 23वें नंबर का जो है आपका, ठीक है, ये जो 23वें नंबर का है, 23 नंबर पेयर है, इसको हम कहते हैं बेटा लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं भाई साहब? लिंग गुणसूत्र कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपने कहा 22 तक, एक से लेकर 22 तक आपने क्या कहा मैडम? आपने कहा ऑटोसोम है, चलो ठीक है। 23 नंबर का जो है उसको आपने क्या कहा? लिंग गुणसूत्र कहा, वो भी सही है, ठीक है। तो अभी आप डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ बता ही नहीं रही हो, तो ठीक है भाई अभी आ जाती हूँ वापस से। तो भाई साहब आपका क्वेश्चन पूछा था डाउन सिंड्रोम क्या है, तो बेटा डाउन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर है, किसमें? ये जो आपके मनुष्य की क्रोमोसोम्स है, यानी कि ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाती है, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स की क्या होगी? अधिकता हो जाएगी, और उस अधिकता के कारण भाई एक क्रोमोसोम्स टोटल कितना है? 40 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 40, एक अधिक कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो ये हमारे क्रोमोसोम्स में अगर डिसऑर्डर हो जाएगा, अधिकता ये कमी हो जाएगी, तो हमको बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलेगी, डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, चेहरा किसी के आकार का हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगा, ये क्रोमोसोम्स की अधिकता या कमी के कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या लक्षण दिखाई देते हैं बेटा? ध्यान रहे, आपके इसी ऑटोसोम्स में 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, कौन सा? 21वें नंबर के क्रोमोसोम्स में, 21वें नंबर के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम्स की अधिकता हो जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक क्या हो गए? बढ़ जाएंगे भाई, एक क्रोमोसोम यदि बढ़ जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा भाई? 47 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 21वें नंबर की बात करूं, 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, एक बढ़ा दूं तो कितना हो गया यहां पर? 3n। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये है, एक क्रोमोसोम्स क्या हो गया? बढ़ गया आपका। 46 के इससे कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा, लेकिन हमारे में टोटल कितने होते हैं? 46 ही होते हैं, तो एक अधिक हो जाएगा, तो हमारे क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो गया, ऑटोसोमल एक्सचेंज हो गया, ज्यादा हो गया, तो हमको डिसीज हो जाता है, मतलब डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, क्या लक्षण है, क्या कारण है, ये आप देखने वाले हो। तो चलिए भाई वापिस आती हूँ अपने प्रश्न के ऊपर, अब पढ़ो इसको क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई? ये सिंड्रोम गुणसूत्र गड़बड़ी, गुणसूत्र में गड़बड़ी हो गई 21वें नंबर में, मुख्यतः 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के बढ़ने के कारण, बढ़ गया कि नहीं? 21 में एक आगे बढ़ गया, 23 हो गया, 21 से ज्यादा हो गया वो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायोसोमी, एकाधि सूत्रता कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? एकाधि सूत्रता, यानी कि ट्रायोसोमी एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। एक और नाम से जानते हैं इसे, जिसे कहते हैं मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि चेहरा जो है मंगोलियन के आकार का दिखाई देता है। आई होप बच्चों आपके दिमाग में एकदम जा रहा होगा जो मैंने क्रोमोसोम्स की बात की क्यों करी है, और क्यों मैंने ऑटोसोम्स और आपके लिंग गुणसूत्र की बात की, आप लोग समझ गए होंगे कि मैडम क्या बताना चाह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके क्या सिम्टम्स है? तो भाई ये नन्हे मुन्ने दो जन बेचारे बच्चे हैं, छोटे हैं, पर देखने से ये भयंकर लग रहे हैं। तो भाई इसका चेहरा एकदम दिख रहा है कि नहीं? इनका चेहरा एकदम बड़ा सा, तो इसके क्या लक्षण होते हैं भाई? अगर ऐसा किसी बच्चों में हो जाए, या किसी के क्रोमोसोम्स एक्सचेंज हो जाए, मतलब ज्यादा या कम हो जाए, तो क्या होगा? तो डाउन सिंड्रोम में एक अधिक होने के कारण क्या हो गया? इस सिंड्रोम के कारण चेहरा देखिए कितना गोल दिख रहा है, भद्दा सा, चौड़ा, आंखों की जो आईस है, मतलब लिट्स, आंखों की लिट्स है, वो मंगोलियन जाति के आकार का दिखाई देते, हमारी नॉर्मल है, उनकी एकदम अलग दिखाई देती है, ठीक है।
लोगों के समान होता है, अतः इन्हें मंगोलियन इडियट्स भी कहा जाता है। समझ आया ना इस सिंड्रोम को मंगोलिज्म क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी आंखें जो होती है मंगोल जाति के आकार की जो आंख उनके समान होती है, इसीलिए इसको मंगोलिज्म इडियट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या क्या कैरेक्टर्स के दिख रहे हैं भाई लक्षण, भाई मुंह हमेशा खुला हुआ होता है, दिख रहा है मुंह इसका हमेशा खुला, इसका भी खुला हुआ है। ठीक है, नाक काफी चौड़ी होती है, निचला होंठ मोटा होता है, ये लटका हुआ होगा, और क्या है भाई जीभ हमेशा बाहर निकला होगा, गर्दन छोटा आपको दिखाई दे रहा है, हथेली और उसकी उंगलियां जो है काफी छोटी छोटी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब कारण क्या है, तो कारण तो सिर्फ एक ही है भाई, क्रोमोसोम्स में 23 के बजाय कितना हो गया वहां पर, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, सीधे सीधा बात है कि 21वें क्रोमोसोम्स में अतिरिक्त क्रोमोसोम्स पाया जाता है, यही इसका कारण है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया, डाउन सिंड्रोम आएगा तो आपको क्या लिखना है और इसके बारे में नॉलेज रखना। और मैंने बात की ना, किसकी बात करी है, पटाउ सिंड्रोम की बात करी, टर्नर सिंड्रोम की बात करी, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की बात करी। बच्चों सारे सिंड्रोम के आपके क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, लक्षण को और कैरेक्टर को, थोड़ा सा लक्षण और उसके कारण को, कॉसेस को याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, चलिए अब क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा समजात अंग। समजात अंग से क्या समझते हैं, कुछ नहीं है बेटा, जीवों के ऐसे अंग होते हैं जो रचना में, ठीक है, और उनकी उत्पत्ति, भाई उत्पत्ति एक समान हो गई, रचना एक समान हो, समजात का मतलब क्या क्या है देखिए, रचना उत्पत्ति में समान तो है, रचना में, आकार में, ठीक है, उनकी उत्पत्ति समान है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखे होगे कभी कभी, ध्यान देना आप, हमारे जो हाथ है, ठीक है, हमारे हाथ हम खा रहे हैं, ठीक है, अभी एग्जांपल देखोगे तो समझ जाओगे, यहां पर देखो एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक, देखो घोड़े का सामने का अग्रपाद, यानी कि जो सामने घोड़ा दौड़ता है, सामने वाला आगे का पैर देखना, और हमारे हाथ को देखो, और आपके चमगादड़ के पंख को देखो, और मेंढक के अग्रपाद को देखो। ध्यान देना, इन सारे अगर मेंढक को आपने भी देखा है, अपने अपने आप को भी देखा है, चमगादड़ को भी देखा है, ठीक है, और आपने इस तरीके से घोड़े को भी देखा है, सभी को देखोगे तो आप बताओ आपका हाथ क्या दौड़ने का काम कर रहा है क्या, नहीं। चमगादड़ के जो पंख है वो दौड़ने का कार्य कर रहे हैं या खाने का कार्य कर रहे हैं ना, नहीं। तो देखिए रचना उसकी समान है, उत्पत्ति समान है, लेकिन उसके कार्य क्या है अलग अलग, इसी को हम कहते हैं बेटा समजात अंग। ठीक है, तो जंतु हो चाहे जीव हो, उनके जो संरचनाएं होंगी, ठीक है, उनकी रचना जो है, उत्पत्ति है, उनमें समानता है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, और अंगों की यही समानता एक और नाम से जाना जाता है, समजातता कहलाती है। ठीक है, होमोलॉजी कहलाती है, इस चीज को आप याद रखोगे। एक और प्रश्न इसी में आ गया, समवृत्ति, दोनों में भी अंतर भी याद रखना। ठीक है, हम बता देते हैं दोनों के बारे में, दोनों का डिफरेंस आप लोग लिखोगे। अब बताओ यहां पर एक डायग्राम को देख लो भाई, देखो ये क्या है, यहां पर लिखा है मनुष्य का है, ये चिंपैंजी का हाथ है, सिंह का है अग्रपाद, सील का है और चमगादड़ का। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखो सबसे पहले ये क्या लिखा है, ह्यूमरस, हाथ का देखो ये क्या है आपका, ह्यूमरस, ये क्या है आपका, रेडियस अल्ना, ये क्या है आपका, कार्पल्स। ठीक है, और ये क्या है बेटा आपका, मेटाकार्पस। तो ये चीजें हमारे में दिखाई दे रही है, यही चीजें चिंपांजी के में भी दिखाई दे रही है, यही सील के में भी है, और यही सील और चमगादड़ में भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपके देख रहे हो आकृति और उत्पत्ति समान है, लेकिन सबके कार्य जो है कैसे है, कार्य जो है भिन्न भिन्न है। ठीक है, सबके कार्य कैसे है, भिन्न है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, समझा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं किसमें, समवृत्ति। ठीक है, समवृत्तता भी कहते हैं इसको, समवृत्ति अंग भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पिछले 2 साल से तो ये चैप्टर आया नहीं है, कोरोना के कारण सिलेबस कट गया था, इस साल संभावना है यहां से क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आंसर क्या लिखा है, मैंने बताया ना
उसमें क्या था, रचना उत्पत्ति में कैसी थी, समान, कार्य अलग, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो गया। रचना उत्पत्ति कैसा है, उल्टा, यानी कि भिन्न, अलग अलग है, उनकी रचना अलग है, उनकी उत्पत्ति अलग है, लेकिन बेटा कार्य सेम है। क्या है, कार्य सेम है। आप तितली देखोगे, बेचारी तितली को देखोगे तो तितली का ये पंख है, ठीक है, तितली का ये क्या है, पंख है। तितली भी काम क्या कर रही है, उड़ने का, थोड़ा सा अलग होता है। अब चिड़िया को आप देखोगे तो चिड़िया का कैसे रहता है, एकदम इस टाइप से, है ना, इस टाइप से चिड़िया का रहेगा। मतलब तितली की बात करूं, चाहे किसी चिड़िया की बात करूं, चाहे मैं चमगादड़ की बात करूं, सबकी संरचनाएं क्या है, अलग अलग है, लेकिन कार्य एक ही है। कौन सा कार्य है, उड़ने का, ठीक है, उड़ना तीनों का ही कार्य है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, समवृत्ति अंग कहते हैं। रचना में और आकृति में, यानी कि रचना उत्पत्ति में कैसा है, अलग अलग, लेकिन कार्य उड़ना यानी कि समान है, तो इसी को हम बेटा क्या कहेंगे, समवृत्ति अंग कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, तितली के पंख की बात करो, ठीक है, पक्षी के पंख की बात करो, चमगादड़ के पंख की अगर हम बात करें, तीनों ही रचना और उत्पत्ति में कैसे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का काम क्या है बेटा, उड़ने का ही कार्य है। इसी को हम क्या कह दिए, समवृत्ति अंग कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं भाई, देखिए ये है आपका डायग्राम, ये है आपका कीट है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, पक्षी का, ये आपको दिखाई दे रहा है चमगादड़ का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ऐसे प्रश्न को बच्चे बनाते नहीं है, छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, जानोगे ही नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो ये बना ही नहीं पाओगे, सीधी सीधी बात है। प्रश्न सुनिए, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए, डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं सबको पता है, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट ग्रुप और शुगर होता है, पेंटोस शर्करा होता है, ये सबको पता है डीएनए के बारे में। नहीं पता, पांच नंबर का प्रश्न है, पूरा डिटेल बताने वाली हूँ, उसको जरूर देखना, ठीक। चलिए, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 30% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है। अब क्या है भाई, बड़ा एक तो एकदम मैथ्स वाला क्वेश्चन कर दिए मैडम, ऐसा मत बोलना, क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ्स तो लागू हो गया। अब कैसे, देखिए बताओ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, चारग्राफ, ठीक है, क्या नाम है, चारग्राफ। चारग्राफ का नियम कहता है प्यूरीन की मात्रा, प्यूरीन की मात्रा पिरामिडीन, पिरामिडीन की मात्रा के बराबर होती है, ठीक है। ये कौन कह रहा भैया, ये कह रहा आपका चारग्राफ का नियम कहता है। चारग्राफ्स का नियम क्या बोल दिया, प्यूरीन की मात्रा पिरामिडिन की मात्रा के बराबर होती है। मेरे राइटिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी लिख रही हूं तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन फटाफट करना है, टाइम ड्यूरेशन आपका कम है, तो थोड़ा सा आप समझते चले जाइए, ठीक। तो पूछेगा ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न में ही तीन चार प्रश्न अगर आ गया, फटाफट बनाओगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूं। कैसे बनाओगे, देखो अब क्या बोल दिया भाई, प्यूरिन और पिरामिडिन, प्यूरिन कितना होता है, दो होता है, दोनों को लिख लो, यहीं पर मैं बता देती हूं कैसे। प्यूरिन कितना है, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार होता है, याद है ना, डीएनए नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट और पेंटोस शर्करा से बना होता है। नाइट्रोजन जो क्षार होता है दो प्रकार के होते हैं, पहला प्यूरिन और दूसरा पिरामिडिन। इसकी मात्रा जितनी होगी, इसकी मात्रा उसके बराबर होगी। प्यूरिन कितना है भाई, आप बता दो, ए और देखो, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, ठीक, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, ठीक। डीएनए में इतनी ही चीज पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। ए हमेशा किसके साथ बाइंड होता है, ए जो होता है हमेशा टी के साथ ही बाइंड होता है। यहां पर बना दूं क्या, देखो यहां पर ए बराबर टी, बराबर मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है टी के साथ। जी हमेशा किसके साथ जुड़ता है, जी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी के साथ ही जुड़ता है, इसको नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका, प्यूरीन है, ये क्या आपका, पिरामिडिन। जितना इसकी मात्रा होगा उतना ही इसका मात्रा होगा, क्योंकि इसकी मात्रा की क्या होगी, इक्वल यानी कि बराबर होती है। प्रश्न पूछा, पढ़ो, डीएनए में 30% साइटोसिन है, भाई साहब आपने कर दिया, इसको कर दिया क्या,
साइटोसिन को कितना कर दिया, 30 कर दिया। चलिए यहाँ पर लिख दूंगी, इसको मिटा के लिख दूं क्या, चलिए यहीं पर मिटा करके लिख देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, देखो क्या बोला यहाँ पर, डीएनए में 30% क्या है, साइटोसिन। हमने लिख दिया यहाँ पर 30% क्या है भाई साहब, साइटोसिन है। ठीक है, साइटोसिन कितना, 30%। सी किसके साथ बाइंड होता है, जी के साथ, जितना इसकी मात्रा उतना ही इसकी मात्रा होगी। तो भाई बराबर यहाँ पर लिख देती हूँ, नीचे कर देती हूँ, जी इज इक्वल टू कितना, 30 हो गया यहाँ तक, टोटल 100 ही होता है ना परसेंट, तो 30 सी है, साइटोसिन है, तो उसकी मात्रा कितनी होगी, जी की मात्रा भी 30 ही होगी, क्योंकि प्यूरिन की मात्रा पिरामिडिन की मात्रा के बराबर होती है। तो दोनों को जोड़ लो भाई, कितना आ गया, 60 हो गया। हो गया तो 100 में आप 60 को माइनस करो तो कितना आएगा यहाँ पर, 40 आएगा भाई साहब। तो 40 जो है, तो 40 क्या है आपका, यहां पर देखेंगे डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। तो भाई एडेनिन आपको निकालना है, तो सीधी सीधी बात, ये किसकी मात्रा हो गई, ये हो गई आपके थाइमिन की, इसको मैं कर दूं थाइमिन। लेकिन अगर मैं थाइमिन करूं तो 40 ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि यहां पर 40 मतलब देखो 40 थाइमिन का नहीं निकलेगा, क्योंकि एडेनिन भी बचा है, जो इसकी मात्रा होगी इसकी मात्रा के बराबर होगी। तो बराबर कर लो भाई, 100 में कितना करेंगे, इसको आप करोगे क्या, 20 आपका एडेनिन होगा और 20 आपका क्या होगा, थायमिन होगा। समझ आ रहा है, 40 टोटल निकला है। अब 40 में से एडेनिन और थायमिन कितना है, एडेनिन और थायमिन कितना है, तो टोटल हो जाएगा 20 आपका एडेनिन निकलेगा और 20 आपका थायमिन निकलेगा। समझ आ रहा है, परसेंट कैसे निकाले, तो पूछा एडेनिन का है, तो एडेनिन का परसेंट कितना है भाई, 20%। मतलब देखो मोटा मोटी ये है कि जितना आपका रहेगा उतना आप लिख दो यहाँ पर, जो पूछा है लिख दो। ठीक है, उसके मात्रा बराबर कर दो भाई, कौन इसके बराबर में जुड़ता है, ये, तो जितना वो है उसके बगल में उतना ही आएगा। जैसे थायमिन जितना 20 है तो एडेनिन भी 20 ही होगा, साइटोसिन 30 है तो जी भी 30 ही होगा। टोटल 100 कर लो, ऐड कर लो तो फिर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतना चीज को आपको याद रखना। इसी में आप 2-3 प्रश्न कोई भी आएगा तो आप बना लोगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डीएनए 35% क्या दिया है, ग्वानिन। जी हमेशा किसके साथ जुड़ता है, सी के साथ, ये 35 दे दिया तो ये भी कितना होगा, सी भी 35। तो 35-35 जोड़ लो भाई, कितना हो गया, जोड़ो यहाँ पर, जोड़ के बताओ, 5 5 10 1 70 हो गया। तो टोटल होगा हमारे पास 100 में 70 माइनस कर दो, कितना बचा, 30 बच गया भाई साहब। ठीक है, ये कितना हो गया, 30 आ जाएगा। ठीक है, 100 में 30 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, डीएनए मिलने वाले थायमिन की मात्रा बताना है, तो थायमिन बताने के लिए भाई साहब 15 आपका क्या होगा, एडेनिन होगा और 15 आपका क्या हो जाएगा, थायमिन। यही पूछा है, थायमिन की मात्रा कितना आ गया, 15% आ गया। एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान में रखोगे तो इससे मैं 4-5 भी अगर क्वेश्चन दे दूं तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया, आप लोगों को समझ आया, तो इतना क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। 4-5 प्रश्न जो है और आपको इंपॉर्टेंट जो है वो बता देती हूं। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करोगे, ऑन्कोजीन, साइलेंट जीन, हाउसकीपिंग जीन्स के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, सहप्रभाविता के बारे में पढ़ेंगे और अपूर्ण प्रभाविता, और ये आपका क्वेश्चन जो अभी निकाले थे सेम वैसे निकाल के आपको बताना है। ठीक है, तो आई होप इतनी जानकारी आप लोगों के लिए काफी है। तो इतना चीज आप पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और 3 मार्क्स के इससे ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बनते हैं, और जो भी क्वेश्चन बनते होंगे वो आपको सिलेक्ट करके बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए भाई आप मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं 5 अंक के क्वेश्चन में।